अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि उसकी तलवार छीनकर उसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता, यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुत बार हमें ऐसा ही भ्रम होता है, मैं न होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है, और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है एक वानर ने लंका जलाई है, जब उन्हें क्या करना चाहिए, जो प्रभु इच्छा। जब रावण को सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी के समझ में आ गया मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की परिकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी तेल कपड़ा लाता और कहां आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी अपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। अंततः श्रेष्ठ कर्म करते रहें, जो होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद।